नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल द इंडिया न्यूज में। दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं टॉप 10 न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की ताजा अपडेट आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है और आप लोग जान लीजिए कौन कौन सी 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हम आपके छोटी से बड़ी काम की हर एक खबर आपके लिए लेकर आते रहते हैं और इस बार भी लेकर आए हैं। इन ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल द इंडिया न्यूज पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन और पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम कोई भी वीडियो डालते तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को छोटा सा लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें, कोरोना वायरस का क्रम से पहले केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट, वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर कर ले तैयारी। दोस्तों, जानकारी को विस्तार तरीके से बताए तो राज्यों और जिलों में कोविड-19 के टीकाकरण की तैयारी चल रही है। हमारे सहयोग संस्था CNBC TV18 के अनुसार चिट्ठी 18 नवंबर को केंद्र द्वारा लिखी गई थी, ये कोविड-19 टीकाकरण के लिए बुनियादी ढांचे की तैयार करने के लिए थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि टीकाकरण की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो जाएगी। इसके लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 टीकों के दुष्प्रभावों की रिपोर्टिंग के लिए तंत्र को मजबूत करने के लिए कहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर मोहन अग्नानी ने भी राज्यों और संघर्षों की भेज पत्र पर कहा है कि आप इस बात से अवगत होंगे कि राज्यों और जिलों में कोविड-19 का टीकाकरण की तैयारी चल रही है। साथियों, दूसरी बड़ी खबर बता दें कि अब मोदी सरकार 2 साल तक कि आपके पीएफ की जानिए कैसे मिलेगा फायदा। जानिए दोस्तों, किन किन लोगों को मिलेगा फायदा। इसका योगदान का मकसद नए रोजगार को प्रोत्साहन देना है। इसके तहत जो कंपनियां नए लोगों को रोजगार दे रही हैं, यानी जो पहले से ईपीएफओ के कवर नहीं थे, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। मंथली 15,000 रुपए से कम सैलरी वालों को 1 मार्च 2020 से लेकर 31 सितम्बर 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। पीएफ का पैसा देगी सरकार। इस योजना के तहत उन लोगों को ईपीएफओ से जुड़ा जाएगा जो कि अभी तक इसमें रजिस्टर्ड नहीं थे। इस योजना के तहत ईपीएफओ से जुड़ी कर्मचारियों को भविष्य निधि पीएफ फंड के 2 साल तक पूरा 24% हिस्सा सरकार देगी। ऐसे मिलेगा फायदा। सरकार अगले 2 साल तक सब्सिडी देगी। जिस संस्था को 1,000 तक कर्मचारियों का उसका 12% कर्मचारी और 12% योगदान हिस्सा केंद्र देगी। 1,000 से अधिक कर्मचारियों वाले स्वास्थ्य में केंद्र कर्मचारियों के हिस्से का 12% देगा। 65% स्वास्थ्य इसमें कवर हो जाएगा। दिल्ली सहित इन 4 राज्यों के यात्रियों की मुंबई में एंट्री पर रोक, सरकार ने की गाइडलाइन जारी। दोस्तों, आपको पूरी तरह विस्तार से बता देते हैं कि पूरी जानकारी, देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में से दिल्ली गुजरात में कोरोना के संकेत काफी तेजी से बढ़ते, जिसको देखते हुए सरकार ने फैसला लेते हुए कहा कि 25 नवंबर से दिल्ली गुजरात गोवा और राजस्थान मुंबई आने वाले हर शख्स का आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि जिसके पास कोरोना वायरस संक्रमण की नेगेटिव रिपोर्ट होगी, सिर्फ उन्हें ही आने की परमिशन दी जाएगी। दोस्तों, आपके अगली बड़ी काम की खबर यह कि रेलवे ने 27 नवंबर तक कैंसिल की है ये सभी ट्रेनें। आपने भी कराया है टिकट तो चेक कर ले कैडी नंबर। नई दिल्ली, अगर आप भी 27 नवंबर तक कहीं यात्रा का प्लान बना रहे हैं या आप टिकट करा रखा है तो अपनी गाड़ी का स्टेशन जरूर चेक कर ले, क्योंकि रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। बता दें कि इंडियन रेलवे ने 23 नवंबर से 27 नवंबर तक के बीच वाली ट्रेनों के कैंसिल कर चुके हैं। जल्दी से दोस्तों अपना टिकट चेक कर लें और जल्दी जल्दी इस जानकारी को अपने चेक करें। दोस्तों, आप सभी को बता दें, केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, देश भर में 69,000 पेट्रोल पंप पर लगेंगे ई-व्हीकल चार्जिंग कियोस्क। ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने उठाया बड़ा कदम। देश में इलेक्ट्रॉनिक ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए हाल में कई कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक ई व्हीकल पर GST घटाकर 5% कर दी है। वाहनों की कीमत, बैटरी कीमत को अलग रखने के भी इजाजत दे दी है। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन की लागत में 30% हिस्सा बैटरी की कीमत होगी। यदि नई ऑटोमोबाइल सेंटर के लिए केंद्र सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए प्रोवाइडेशन फील्ड इंस्टीट्यूट की घोषणा भी की है। इस सेक्टर में नई नौकरियों को भी काफी संभावनाएं हैं। एक अनुमान के मुताबिक ऑटोमोबाइल सेंटर को 2.5 करोड़ सेक्टर कर्मचारियों की जरूरत होगी। यात्रीगण ध्यान दें कि क्या 1 दिसंबर से बंद हो जाएगी सभी ट्रेन, जाने रेल मंत्रालय का क्या कहना है। भारत सरकार की संस्था PIB ने इस वायरल मैसेज की सच्चाई की जांच कर लगा अलग ही खुलासा किया है। आइए जान लेते हैं इस खबर के कितना सच्चाई है। जानिए इस खबर की सच्चाई। आपको बता दें कि इस मैसेज का दावा किया जा रहा है कि रेलवे कोविड-19 स्पेशल ट्रेनों सहित सभी ट्रेनें 1 दिसंबर के बाद विजिलेंस बंद
कर दी जाएगी। लेकिन रेलवे मिनिस्टर ने इस बात की जानकारी देते हुए रेलवे ने कहा कि फिलहाल सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है, ये खबर पूरी तरह से फेक है। साथ ही साथ दोस्तों जान लीजिए पेट्रोल डीजल में बढ़ाई, आम आदमी की टेंशन, लगातार पांचवी दिन हुआ महंगा। दोस्तों जान लेते हैं किस लिए बढ़ रहा है दाम। इस साल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट के बाद लोगों राहत की उम्मीद कर रही है, लेकिन लोगों को केंद्र सरकार ने धक्का दिया था। सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर उत्पादन शुल्क और बढ़ा दिया था। इससे पहले साल 2014 में पेट्रोल पर टैक्स 9.58 रुपए प्रति लीटर था और डीजल पर 3.56 रुपए प्रति लीटर था। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 तक केंद्र सरकार ने इसमें 9 बार इजाफा किया। इन 15 हफ्ते में पेट्रोल पर ड्यूटी 11.77 और डीजल पर 13.47 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई। बता दें साथियों 1 दिसंबर से बदल जाएगा ये नियम, आपके जेब पर पड़ेगा सीधा असर। दोस्तों आप सभी को सही शब्दों में बताएं तो 24 घंटे में मिल सकती है RTGS की सुविधा। दिसंबर से बैंकों पैसों के लिए लेनदेन से जुड़ा नियम बदल सकता है। RBI ने 24 घंटे के लिए RTGS सुविधा शुरू करने का ऐलान किया था। अभी ये सुविधा महीने के दूसरे और चौथे रविवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मिलती है। यानी दिसंबर से RTGS के माध्यम से 2400 घंटे मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। चलिए दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर, डाक विभाग के कंधों पर होगी कोरोना वैक्सीन को देश के हर हिस्से में पहुंचाने की जिम्मेदारी, नेटवर्क की मैपिंग शुरू। भले कोरोना वैक्सीन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है हो पाई, लेकिन इसको पूरे देश में पहुंचाने के नेटवर्क पर काम शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक डाक विभाग ने मास वैक्सीन के लिए लिहाज से अपने नेटवर्क को मैपिंग रूप से शुरू कर दिया है और सरकार के निर्देश मिलते ही शुद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। सूत्रों ने हिंदुस्तान को बताया कि वैक्सीन आने के बाद इस देश के कौन कौन से पहुंचने के लिए पोस्ट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा है। यही नहीं, विभाग ने इस ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोल्ड चेन बनाने की तैयारी पर भी बातचीत शुरू कर दी है, ताकि वैक्सीन आने के बाद उस जरूरत तापमान पर देश के। तो साथियों हमारा द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।